Hanji, good afternoon everybody and I welcome you to the online classes of Gyanam. Okay guys, आपको पता ही है कि अभी हम ETT की अपनी questions की practice कर रहे हैं, है ना? हम अपने topics को cover कर रहे हैं. जल्दी से आप अपने friends को हमारे साथ जोड़े उसके बाद ताकि हम अपना topic start कर पाएं. Share the link with your friends everybody. राहुल कुमार गुड आफ्टरनून, मनोरमा गुड आफ्टरनून, फ्रेंड्स के साथ अपने लिंक शेयर करें एवरीबॉडी. ऑलराइट, चलिए जी, तो आज हम अपनी वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं. ओके जी, अब देखिए आज का हमारा टॉपिक है क्या, कंजंक्शंस. दो टॉपिक्स हम पहले ही कवर कर चुके हैं, एक है डिटर्मिनर्स और दूसरा है आर्टिकल्स. ठीक है, डिटर्मिनर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग साथ के साथ आगे करेंगे. आर्टिकल्स की हमने प्रैक्टिस कर ली थी पिछली वीडियो में, है ना, पिछली क्लास में. कोई डाउट हो तो आप साथ के साथ पूछेगा, अदरवाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंजंक्शंस. राइट, ओके गाइज, सो ये कंजंक्शंस होते क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय कंजंक्शंस एक्चुअली. देखिए, अ कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज टू कनेक्ट वर्ड्स. अब इसको ना हम किस काम में लेकर आते हैं, इसको हम कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं. हमें कनेक्ट किसको करना है, वर्ड्स को, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस. ठीक है, बेसिकली ना हमें एक चीज पता है कि हम इंग्लिश में या हिंदी में या पंजाबी में, इनफैक्ट किसी भी लैंग्वेज में हम रेपिटेशन नहीं करते, हम रेपिटेशन करना अवॉइड करते हैं. राइट, उस रेपिटेशन को अवॉइड करने में हमारी मदद कौन करता है, हमारी मदद करती है कंजंक्शंस. हम इसको और किस नाम से बुला सकते हैं, वी कैन कॉल इट कनेक्टर्स, वी कैन कॉल इट ज्वाइनिंग वर्ड्स. ठीक है, इसमें हम किस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, हम इसमें वर्ड्स बोलते हैं एंड, बट, बिकॉज, है ना, दैट भी आता है, वो भी कनेक्ट करने के लिए काम आता है. ओके गाइस, अगर हम बात करें कंजंक्शंस की तो इसके रिगार्डिंग ना एग्जाम में आपको दो तरीके के क्वेश्चंस पॉसिबल है. एक तो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं पेयरिंग के. पेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि हमें उसका पेयर किसी और के साथ बनाना था लेकिन हमने अल्टीमेटली किसी और के साथ बना दिया. ठीक है, या फिर हमें उसकी क्वेश्चन आता है यूजेज का कि कहीं पर कोई और कंजंक्शन का इस्तेमाल करना था, हमें पता नहीं था, हमने उठा के कोई और यूज कर दिया. ठीक है, तो दो तरीके के एरर पॉसिबल है और सबसे ज्यादा इसमें आता है पेयरिंग का एरर. ठीक है, हमें पता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका ना एक फिक्स पेयर होता है. अगर हम एग्जाम्पल लेके चले, लेट्स से बोथ का पेयर एंड के साथ होता है, ईदर का और के साथ, नीदर का नॉर के साथ, ऐसे ही और भी बहुत सारे हमारे पास कंजंक्शंस होती हैं जिनके पेयर फिक्स होते हैं, उसी के रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, कोई अगर डाउट है यहां तक तो आप लोग पूछें, अदरवाइज इसके बाद हम लोग अपने आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके पीछे लगने वाले लॉजिक्स को डिस्कस करेंगे. ओके, रिशिता, मंदीप, नेहा, सोनू, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. चलिए जी, स्टार्ट करेंगे गाइस. आप लोग आंसर साथ के साथ देते जाएंगे. ठीक है, जहां पे भी आपको लगेगा कि इसका आंसर ये बनना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे साथ के साथ बताएंगे, जो मैं आंसर आपको बताऊंगी आप उसके साथ टैली कर लेंगे. ठीक है, अच्छा, गिवन ऑप्शंस में से भी अगर किसी के अंदर कोई कंफ्यूजन आपको लगे ना कि ये आंसर ये क्यों बना, इस वाले का क्या मीनिंग होता है, तो साथ के साथ उसको भी पूछते जाना. राइट, चलिए जी, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स वाला. यहां हमें क्या करना है कि जो भी हमारे गिवन ऑप्शंस हैं, तीन ऑप्शंस हमें गिवन है, उसको देख के ब्लैंक में कुछ फिट करना है. और अगर हमें ये ब्लैंक को फिल करना है तो हमें इस तरीके से करना है कि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो ठीक बने और ऑप्शन हमारा बेस्ट सूटेबल यहां पर आ जाए. ठीक है, पढ़े एक बार. आई विजिट द ग्रैंड कैनियन डैश आई गो टू एरिजोना. इसका मतलब क्या है कि जब भी मैं एरिजोना जाता हूं मैं हमेशा ग्रैंड कैनियन भी देखने जाता हूं. फटाफट से इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए, फास्टर एवरीबॉडी. विकास गुड आफ्टरनून एंड गुड वेन एवर. ठीक है, देखो वंस का मतलब क्या होता है, एक बार. अब अगर हम ये लाइन को पढ़ें तो एक बार वाली सेंस तो यहां पे सूट ही नहीं कर रही.
अच्छा, wherever, wherever का मतलब होता है जहां मर्जी। यहाँ पे जहां मर्जी वाली बात भी नहीं हो रही, बात यहाँ पे हो क्या रही है, जब भी। when हम किसके लिए यूज करते हैं, जब के लिए, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जब भी मैं वहां जाता हूं तो मैं उधर भी जाता हूं, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, whenever। ठीक है, आई गेस यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि once कहाँ आता है, wherever कहाँ आता है और whenever कहाँ आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। This is the place dash we stayed last time we visited. अब इसमें देखें क्या आएगा, where आएगा, when आएगा या how आएगा। जल्दी से answers दें, सबके answers आने चाहिए। Faster everybody, give the answers. Okay, good. Answers आने शुरू हो गए, सबके answers आने चाहिए। Guys, आप लोग ये जो ongoing classes है ना, इसमें आप लोग जितना एक्टिव रहोगे तो कहीं ना कहीं देखो उसमें ना हमारे डाउट्स भी ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, ओके, दिस इज द प्लेस हाउ वी स्टेड, ये वो जगह है जैसे हमने स्टे किया था, जैसे तो यहां पे फिट नहीं हो रहा है ना। दिस इज द प्लेस व्हेन वी स्टेड, अब व्हेन का मतलब क्या होता है, जब, और ये हम किसके लिए यूज करते हैं, टाइम के लिए। लेकिन क्या हमें इस सेंटेंस में टाइम को फिल करना है, टाइम तो यहां पर चाहिए नहीं, यहां क्या चाहिए, प्लेस। दिस इज द प्लेस वेयर वी स्टेड लास्ट टाइम वी विजिटेड, कि ये वही जगह है जहां पर हम पिछली बार रुके थे। आई गेस ये समझ आ गया, इजी है, अगले पे चलें। डैश यू विन फर्स्ट प्लेस यू विल रिसीव अ प्राइज, अब यहां बताएं जल्दी से क्या आएगा। ओके मनोरमा, गुड, मनदीप, वेरी नाइस, नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे, ओके गुड। चलिए देखिए, यहां हमने बोला, अगर इसको हम ट्रांसलेट करके देखें ना, तो देखो इसका मीनिंग क्या बन रहा है, डैश यू विन द फर्स्ट प्लेस यू विल रिसीव अ प्राइज, के अगर तुम फर्स्ट प्लेस पे आए तो तुम्हें एक प्राइज मिलेगा। याद रखेंगे गाइस, इफ को हम यूज किसके लिए करते हैं, कंडीशन के लिए, ठीक है, और इफ का मतलब क्या होता है, अगर। यहां पे हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर तुम फर्स्ट प्लेस जीते तो तुम्हें एक प्राइज मिलेगा। वेयर एवर, वेयर एवर का मतलब होता है जहां भी, जहां भी वाली तो बात ही नहीं हो रही है, तो पहले ही कट गया। अब अनलेस, देखो अनलेस का मतलब भी हम कंडीशन के लिए लेते हैं, इफ भी हम कंडीशन के लिए लेते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो अनलेस है वो है आपका नेगेटिव वर्ड। अनलेस मीन्स जब तक ये काम नहीं हो जाता, लेकिन यहां पे काम नहीं हो जाता वाली तो बात ही नहीं हो रही है ना। तो यहां पे क्या आएगा, इफ यू विन द फर्स्ट प्लेस यू विल रिसीव अ प्राइज, कि अगर तुम जीतते हो तो तुम्हें प्राइज मिलेगा। ठीक है, ओके, डैश यू वोंट पास द टेस्ट डैश यू स्टडी, यहां देखें क्या आएगा, जल्दी से आंसर बताएं क्या आएगा, एवरीबॉडी आंसर सबके आने चाहिए। ओके गुड, वेरी नाइस एवरीबॉडी, आंसर्स देते रहे, अनलेस यू स्टडी, गुड सोनू, विकास, मनोरमा, वेरी नाइस। देखें एक बार, हमने बोला कि जो इफ है और अनलेस है दोनों हम किसके लिए यूज करते हैं, कंडीशन के लिए, लेकिन इफ जो है वो पॉजिटिव वर्ड है, अनलेस क्या है हमारा नेगेटिव वर्ड। अगर हम ब्लैंक को चेक करें, क्या यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए या नेगेटिव वर्ड आना चाहिए, इफ का मतलब होता है अगर, अनलेस जब तक ये काम नहीं हो जाता, राइट। यू वोंट पास द टेस्ट, तुम टेस्ट को पास नहीं करोगे जब तक तुम पढ़ोगे, पॉजिटिव तो आएगा नहीं, तो इफ तो पहले ही कट गया। अच्छा, तुम टेस्ट पास नहीं करोगे जब तुम पढ़ोगे, नहीं, यहां आएगा अनलेस, कि जब तक तुम पढ़ाई नहीं करते तब तक तुम्हारा टेस्ट पास नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब तुम पास नहीं कर सकते टेस्ट को। आई गेस ये भी समझ आ गया, अनलेस इज अ नेगेटिव वर्ड, ये सेंटेंस में हमें एक नेगेटिव वर्ड की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हमने यहां पर अनलेस लगाया। ठीक है, अगले पे आ जाए, आई कुड नॉट गेट अ सीट डैश आई केम अर्ली, इसका आंसर बताएं। चलिए जी जल्दी से आंसर बताइए, आई कुड नॉट गेट अ सीट डैश आई केम अर्ली। चलिए देखें,
as का मतलब देखो घुमा फिरा के क्या होता है सेंटेंसेस में, as means because. ठीक है, एज को हम बिकॉज की सेंस में लेते हैं. अगर हम ब्लैंक को फिल करने की कोशिश करें क्या चेक करें बिकॉज सूट कर रहा है. आई कुड नॉट गेट अ सीट बिकॉज आई केम अर्ली, क्योंकि मैं जल्दी आया था इसीलिए मुझे सीट नहीं मिली, ये तो जा नहीं रहा. अच्छा वेन भी नहीं जा रहा, यहाँ पे क्या जाएगा दो. ठीक है, दो का मतलब क्या होता है गाइज, दो का मतलब होता है चाहे. चेक करें क्या यहाँ पे चाहे वाली सेंस आ रही है कि मुझे सीट नहीं मिली चाहे मैं बहुत जल्दी आ गया था. तो यहां पे हम आंसर अपना क्या फिल करेंगे, दो. ठीक है, दो का मतलब चाहे, याद रखिएगा. अच्छा, वी आर लीविंग वेंसडे डैश और नॉट एट ट्रेन्स. अब यहां देखें क्या आएगा, सुरेंद्र क्लास की टाइमिंग्स है, मतलब ये 12:45 पे लाइव हो जाती है लेकिन आज ये 12:55 पर हुई है. ठीक है, अब देखें वी आर लिविंग वेंसडे के, हम तो वेंसडे को निकलेंगे ही चाहे बारिश हो चाहे बारिश ना हो. ठीक है, वी नो के और नॉट के साथ किसका पेयर बनता है, और नॉट के साथ पेयर बनता है हमेशा वेदर का. इफ को हम पेयर की सेंस में यूज नहीं करते, इफ और नॉट ये तो कुछ बना नहीं है ना. दो याद रखिएगा गाइस, आपको पेयर्स याद रखने हैं इसमें. अगर हम बात करें दो या ऑल्दो की, तो दो या ऑल्दो का पेयर हमेशा किसके साथ बनाया जाता है, इसका पेयर बनाया जाता है येट के साथ. यू गाइस हैव टू मेक वेरी श्योर कि इसका पेयर ना कभी भी बट के साथ नहीं बनाना, पढ़ने में अच्छा लगता है. अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से दो आई केम अर्ली बट आई कुड नॉट गेट अ सीट, पढ़ने में आपको ठीक लगेगा कि मैं चाहे जल्दी आया था लेकिन मुझे सीट नहीं मिली. लेकिन आपको याद रखना है कि इसमें एरर कौन से वाले आते हैं, पेयरिंग के आते हैं. और दो या ऑल्दो का पेयर हमेशा किसके साथ बनता है, येट के साथ. बट के साथ उसका पेयर आपने नहीं बनाना. ठीक है, प्लीज याद रखना इसको. तो यहाँ पे वेदर का पेयर किसके साथ बनता है हमेशा, और के साथ. तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, वेदर, कि चाहे बारिश हो चाहे बारिश ना हो लेकिन हम तो वेंसडे को ही निकलेंगे. ठीक है, एक और चीज गाइस प्लीज ये थोड़ा सा याद रखना, बहुत बेसिक है. इस वेदर का और इस वेदर का डिफरेंस, ठीक है, देखो एक है डब्ल्यू एच ई एक है डब्ल्यू ई ए. प्लीज इन दोनों का डिफरेंस अपने माइंड में क्लियर रखिएगा. इस वाले का मतलब क्या होता है, मौसम, और इस वाले का मतलब क्या होता है, चाहे. मतलब है ना, चाहे बारिश हो या ना हो, अगर होगी भी तो भी निकलेंगे, नहीं होगी तो भी निकलेंगे. ये आपका क्या होता है, ये होता है कंजंक्शन, जिसका पेयर हम और नॉट के साथ बनाते हैं या फिर और के साथ. और वेदर हमेशा लगाया जाता है नो श्योरिटी में. जहां पे भी हमें किसी चीज को लेके श्योरिटी ना हो वहां हमें क्या लगाना है, वेदर लगाना है. लेकिन अगर मान लो कि हम मौसम की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, डब्ल्यू ई ए वाले की. बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन एग्जाम में कई बार ना ऐसे ही छोटे पॉइंट बहुत मदद कर जाते हैं हमारी. ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में. आ रहा है, हां जी पंकज, इफ को हम यूज करते हैं कंडीशनल्स में. पंकज आपका नाम ले लिया, ठीक है, आंसर देते रहो. ओके, आई प्लान टू टेक माई वेकेशन डैश इन जून डैश इन जुलाई. ये वाला आसान है, जल्दी से इसका आंसर दो. ओके मनदीप, गुड. ठीक है जी, ओके गुड एवरीबडी, आंसर्स देते रहेंगे जल्दी से. इसमें बताएंगे क्या आएगा, आई प्लान टू टेक माई वेकेशन डैश इन जून डैश इन जुलाई. इसमें हम क्या कहना चाहते हैं कि जो मैं अपनी वेकेशन लूंगा या तो मैं जून में लूंगा या फिर मैं जुलाई में लूंगा. वेदर तो हम किसके लिए यूज करते हैं कि चाहे इसमें हो चाहे उसमें हो, लेकिन यहां पे हम दोनों में से किसी एक ऑप्शन को पिक करने की बात कर रहे हैं ना. और हमें पता है कि जब हम दो ऑप्शन को पिक करते हैं तो वहां पर आता है ईदर और. ठीक है, यहां पे गाइस थोड़ा सा आप याद रखेंगे, आई प्लान टू टेक माई वेकेशन ईदर इन जून और इन जुलाई, क्योंकि हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट
सिलेक्शन ऑफ वन थिंग. ठीक है, किसकी बात हो रही है यहां पे? सिलेक्शन ऑफ वन थिंग की. तो यहां पे क्या आएगा? ईदर और. ठीक है, वेदर क्यों नहीं आया? क्योंकि वेदर ना जनरली किस सेंस में यूज करते हैं? वेदर इट स्नोज और इट रेन्स वी विल गो टू शिमला. देखिए थोड़ा सा ना दोनों सेंटेंसेस के बीच में डिफरेंस जज करने की कोशिश करें. अब यहां पे अगर मैं इधर और लगाती तो वो सूटेबल ना होता क्योंकि मैं सिलेक्शन नहीं कर रही हूं दोनों में से. अगर मेरे पास ऑप्शन होती दोनों में से पिक करने की, है ना, कि या तो रेन होगी या बारिश होगी, मैं पिक नहीं कर रही हूं ना. यहां पे हमारे पास पिक करने की ऑप्शन है. तो वेदर और में आपके पास सिलेक्शन अवेलेबल नहीं होती. आप सिर्फ क्या बात कर रहे हो, चाहे बारिश हो चाहे बर्फ पड़े, हम तो शिमला जाएंगे. ठीक है, लेकिन इधर और में आप दोनों में से एक को सेलेक्ट भी कर रहे होते हैं. इधर और में प्लीज याद रखना सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है. वेदर में जब और आता है तो वहां पे सिलेक्शन नहीं होती, वहां पे चाहे वाली बात होती है कि चाहे ये हो चाहे वो हो, हमें फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, ओके. अगला देखें, डैश फ्लावर्स डैश ट्रीज ग्रो ड्यूरिंग वार्म वेदर. इसमें देखो क्या आंसर आएगा, चेक करें. पंकज, हाँ जी, आने वाली क्लासेस में हम अपनी एक नरेशन की वीडियो भी करेंगे. मतलब हम ट्राई करेंगे कि आपके एग्जाम से पहले ना हम आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लें. अगर आपकी पहले से तैयारी मान लो हुई हुई है तो उसमें आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी. कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर बीच में से मिस हुए हैं तो आपके वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे. ठीक है, इसका आंसर दें जल्दी से. ओके विकास, गुड. और लोग आंसर दें जल्दी से, टाइम नहीं लगाना. और ये लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कीजिए क्योंकि जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, उतना ही ज्यादा हमें समझ आएगा कि हम फंस कहां रहे हैं और उतने ही हमारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे. ठीक है, यहां क्या आएगा देखो आप, ऑप्शन चेक करें एक बार. मीनिंग क्या है पहले तो सेंटेंस का, कि जब वार्म वेदर होता है ना तो फ्लावर्स भी ग्रो करते हैं ट्रीज भी ग्रो करते हैं, अल्टीमेटली दोनों कर रहे होते हैं ना. अब एक ना कंजंक्शन होती है नॉट ओनली बट ऑल्सो. ठीक है, कौन सी कंजंक्शन है? नॉट ओनली बट ऑल्सो. नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब क्या होता है? सिर्फ ये ही नहीं वो भी. इधर और का मतलब क्या होता है? या तो ये या फिर वो. नीदर नॉर, ना ही ये ना ही वो. नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब सिर्फ ये ही नहीं वो भी. तो टेक्निकली कैन आई से कि इस सेंटेंस में फिट हो रहा है नॉट ओनली बट ऑल्सो, कि सिर्फ फ्लावर्स ही नहीं लेकिन ट्रीज भी ग्रो करते हैं वार्म वेदर में. ये ठीक हो जाता, लेकिन सोच के देखो यहां पे ना नॉट ओनली के साथ में और लिखा हुआ है, बट ऑल्सो नहीं लिखा हुआ. इस वजह से ये तो हमारा कट गया, है ना. अच्छा, नॉट फ्लावर्स बट ट्रीज, लेकिन ग्रो तो दोनों करते हैं, ये ऑप्शन भी कट गया. आंसर क्या आया? बोथ के साथ एंड. क्या बनेगा? कि बोथ फ्लावर्स एंड ट्रीज ग्रो ड्यूरिंग वार्म वेदर. ठीक है, एक चीज याद रखिएगा गाइस, जैसे अगर मैं आपको सेंटेंस दू, बोथ जैक एज वेल एज जॉन आर इंटेलिजेंट. एक काम करें जल्दी से ना कमेंट बॉक्स में मुझे इस क्वेश्चन के बीच में डाउट बताएं, देखो कि इस क्वेश्चन के बीच में कोई एरर है या नहीं है. ठीक है, जल्दी से मुझे वहां पे बताएं कि क्या आएगा यहां पर, कोई एरर है या ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है. टेल मी फास्टर. आंसर दें एवरीबॉडी, ये जो सेंटेंस मैंने अभी लिखा है ये सेंटेंस ठीक है या ग्रामेटिकली गलत है इसमें कुछ? ओके, बाकी लोग भी आंसर देंगे. जल्दी से आंसर दो, टाइम नहीं लगाना. एग्जाम में एक क्वेश्चन के बीच में हमें बहुत कम टाइम इन्वेस्ट करना है. अब एक चीज याद रखना,
पढ़ने में ना ये सेंटेंस हमें बिल्कुल ठीक लगता है कि बोथ जैक एज वेल एज जॉन, लेकिन अगर यहाँ पर बोथ है ना तो बोथ के साथ याद रखोगे कभी एज वेल एज नहीं आता, बोथ के साथ हमेशा क्या लगाया जाता है एंड, ठीक है? तो इसकी करेक्शन क्या होगी कि बोथ जैक एंड जॉन, और वैसे भी ना एरर की एक अजम्पशन होती है, एरर डिटेक्शन में हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि हमारा सेंटेंस स्टार्टिंग से ठीक चल रहा है वो बाद में जाके गलत हो रहा है, ठीक है? तो इसीलिए करेक्शन आप एक तो बाद वाले में करोगे, और बाद वाले में करेक्शन करने के लिए बोथ के साथ हमें क्या लगाना है, एंड लगाना है, तभी तो यहां पे आपने एंड देखा था, ठीक है? ओके गुड जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अब ये आ गया हमारे एरर डिटेक्शन वाला क्वेश्चन, फिलर से हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, यहां पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कौन से वाला ऐसा पोर्शन है जिसमें कोई ना कोई एरर एग्जिस्ट करता है, ठीक है? देखें एक बार, although they listen to me but their actions prove otherwise, इसका आंसर बताएं जल्दी से क्या होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन आसान है, अभी के अभी हमने कवर किया है, इसमें आप लोग टाइम नहीं लगाओगे, ठीक है? आंसर दो। ओके विकास, गुड। बाकी लोग, मलकीत, मनदीप, प्रतीक, जल्दी से आंसर देंगे सारे लोग? ओके गुड एवरीबॉडी। अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि दो या ऑल्दो का पेयर किसके साथ बनाया जाता है, इन दोनों का पेयर हम बनाते हैं येट के साथ, कभी बट नहीं आता, और यहां पे सामने क्या चमक रहा है हमारे सामने, बट, तो इसकी जगह पे आपको क्या लगाना है यहां, येट, ठीक है? अगले पे आ जाओ। नेक्स्ट इज दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग एंड द प्रीवियस वन वॉज बोरिंग, इसमें आंसर देखें, इसका मीनिंग क्या है कि ये वाली फिल्म तो इंटरेस्टिंग है, पिछले वाली बोरिंग थी। अब एक चीज सोच के देखो, कैन आई से कि ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं, इंटरेस्टिंग और बोरिंग, और जब वर्ड्स ऑपोजिट होते हैं तो हमारे पास कभी एंड आता है? एंड तो पॉजिटिव केस में आता है। एक चीज याद रखेंगे, देखो एंड जो लगता है ना, एंड हम लगाते हैं पॉजिटिव के साथ या जब हम सेम चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है? बट हम कहां लगाते हैं, बट हम लगाते हैं जहां पे नेगेटिव होता है या हमारे वर्ड्स ऑपोजिट होते हैं। अगर मैं आपको बोलती हूं राम इज टॉल एंड श्याम इज टॉल, ठीक है? हमने बोला राम इज टॉल श्याम इज टॉल, इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते? इन दोनों में क्वालिटी सेम है तो हम इसको किसके साथ जोड़ सकते हैं, एंड के साथ, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं राम इज टॉल श्याम इज शॉर्ट, क्या ना इसे ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स आ गए, तो इसको किससे जोड़ेंगे, इसको हम जोड़ेंगे फिर बट के साथ कि राम इज टॉल बट श्याम इज शॉर्ट, ठीक है? चाहे ये नेगेटिव होता, राम इज टॉल श्याम इज नॉट टॉल, उसको भी हम किसके साथ जोड़ते, उसको भी बट के साथ जोड़ते। यहां देखो इंटरेस्टिंग बोरिंग ऑपोजिट वर्ड्स है ना, तो एंड तो आएगा नहीं, एंड को रिप्लेस करके हमें क्या लगाना है यहां पर, बट, ठीक है? आई गेस यहां तक आप लोगों को क्लियर होता जा रहा है। गाइस कहीं भी डाउट आए ना, या आप लोगों को थोड़ी सी और डिटेल कुछ चाहिए किसी कंजंक्शन के बारे में, कोई कंजंक्शन आपको पढ़ने में हमेशा डाउट आता है, उसके बारे में आपको थोड़ा और समझना है, तो वो भी एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते जाएंगे, ठीक है? ताकि आपके अगर कोई एग्जिस्टिंग डाउट्स भी है ना, तो वो भी हम लोग साथ के साथ ले लें, ऐसा ना हो कि मतलब ये वाले क्वेश्चंस को हट के आपको कोई डाउट आए आप उसमें वैसे ही फंसे रह जाओ, ठीक है? वो भी पूछते चलना। नेक्स्ट देखे, ही हैज नो अदर चॉइस बट टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, यहां पर चेक करें क्या होगा, ओके विकास गुड, बाकी लोगों ने भी बिल्कुल सही आंसर्स दिए थे, एंड गाइस बी एक्टिव, जितने डाउट्स हैं लेते रहो। देखो चलो इसमें देखते हैं, ही हैज नो अदर चॉइस बट टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस,
हमें याद रखना है कि जहां पे अदर आ जाए ना, ये चैप्टर किसका है, सारे पेयरिंग्स का चैप्टर है। तो आप याद रखोगे कि अदर का पेयर हमेशा किसके साथ हम बनाते हैं एज अ कंजक्शन, दैन के साथ, टी एच ए एन, ठीक है, हमेशा दैन आता है। देखो ही हैज नो अदर चॉइस, मतलब अदर आ गया, हमें पता है इसका पेयर किसके साथ होता है, दैन के साथ होता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लगा दिया, बट लगा दिया, बट तो आएगा नहीं, हमें तो इसका पेयर पता है, क्या आएगा इसकी जगह, दैन आएगा, ठीक है। ही हैज नो अदर चॉइस दैन टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, कि अपने बिजनेस को चालू करने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अब देखो अदर और दान के ना दो तीन तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। एक सेंटेंस यहां पे देखें, वी हैव नो अदर वर्क एक्सेप्ट लेट्स से स्टडिंग फॉर आर एग्जाम्स, इसमें देखें कोई एरर दिख रहा है हमें, गाइस जल्दी से मुझे बताएं इसमें कोई एरर है या नहीं है। अपनीत हेलो, आंसर्स देते रहो। वी हैव नो अदर वर्क एक्सेप्ट स्टडिंग फॉर एग्जाम्स, इसमें चेक करो कोई एरर है या नहीं है। चेक करें जल्दी से, ठीक लग रहा है, आंसर्स दें फटाफट। देखो अब ना ये जो एक्सेप्ट है या अदर है, इसमें ना दो तीन तरीके के एरर पॉसिबल होते हैं। आप इसको ऐसे याद रखो, हम इकट्ठा नहीं बोलते अदर दैन, जैसे आई हैव नो वर्क अदर दैन डूइंग दिस, अदर दैन डूइंग दैट। तो जहां अदर होगा ना, पेयर हमेशा दैन के साथ बनाना है। यहां चेक करो, वी हैव नो अदर वर्क, क्या यहां पे हमें अदर दिख रहा है, और अदर के साथ क्या आता है, दैन आता है। तो मेक श्योर कि ये एक्सेप्ट ना पढ़ने में हमेशा ठीक लगेगा आपको, राइट पढ़ने में हमेशा लगेगा कि हाँ ठीक तो है, एक्सेप्ट मतलब अलावा, अलावा की तो बात हो रही है, चाहे अलावा की बात हो रही है लेकिन अदर भी तो है, और जब तक अदर है तब तक आपको वहां पे क्या रखना है, दैन। करेक्शन क्या करेंगे, वी हैव नो अदर वर्क दैन स्टडिंग फॉर एग्जाम्स, ठीक है। प्लीज मेक श्योर गाइस, थोड़ा सा आप अपने माइंड में क्लियर रखें, जहां पे अदर होगा वहां दैन आएगा। इंपॉर्टेंट वाली कंजंक्शन है ये, बहुत बार एग्जाम में आती है। नेक्स्ट देखो, दे हैड हार्डली फिनिश्ड देयर मील्स व्हेन एट वंस दे रिज्यूम्ड देयर ड्यूटी। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से करिएगा, आंसर दें इसका। वेरी इंपॉर्टेंट, चलिए साथ के साथ मैं बता देती हूँ फिर आपको। देखो जी तीन कंजंक्शंस हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे तो आप कहीं लिख के रख लें, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। एक होती है हार्डली, ठीक है, एक होती है स्कार्सली, और एक है नो सूनर, ठीक है जी, हार्डली स्कार्सली नो सूनर। अब ये जो हार्डली स्कार्सली नो सूनर है ना, तीनों का मीनिंग एज अ कंजंक्शन सेम होता है, ठीक है। एक तो आपको इसमें पेयर याद रखने हैं, हार्डली का पेयर बनता है व्हेन के साथ, स्कार्सली का पेयर आपका बनता है व्हेन के साथ, और नो सूनर का पेयर बनता है दैन के साथ, टी एच ए एन वाला दैन, ठीक है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों का ना जब हम एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं मीनिंग इनका बिल्कुल ही सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहां देखें, hardly when scarcely when no sooner than, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो चेक करना है सेंटेंस में इसका पेयर, कि पेयर जो आगे बना है वो ठीक बना है या नहीं बना। अब जैसे ये सेंटेंस देखें, hardly लिखा है ना, तो hardly के साथ क्या होना चाहिए, when, ये तो ठीक है, मतलब पेयर तो यहां ठीक है। दूसरा, हमने स्टार्टिंग में एक चीज डिस्कस की थी कि दूसरी टाइप का हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, इसकी यूसेज का,
याद रखोगे जब ये तीन कंजंक्शन हमारे सामने आ जाए ना, तो इस सेंटेंस का फॉर्मेट क्या बनता है, देखो पहले आएंगे ये वाले वर्ड्स, ठीक है, हार्डली स्कार्सली, उसके बाद आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है कि हार्डली स्कार्सली पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। सोच के देखेंगे, इफ आई से आई एम स्टडिंग, ये ठीक है या गलत है? आई एम स्टडिंग बिल्कुल ठीक है। ये यहां पे आई क्या है? सब्जेक्ट। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। और स्टडिंग क्या है? हमारी मेन वर्ब, ठीक है। जनरली क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को लिखने का एक बेसिक फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। लेकिन जैसे ये तीन कंजंक्शन सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाए, आप इन दोनों को उठा के उल्टा कर दोगे, ठीक है। ये हमेशा इनवर्स हो जाएंगी या रिवर्स हो जाएंगी, इनको हम बुलाते हैं इनवर्जन, ठीक है जी। तो यहां पे हमें दिख रहा है कि हार्डली बाद में लिखा है, मतलब ये तो गलती हो गई यहां पे। तो एरर कहां आया हमारा ए वाले में, और करेक्शन क्या होगी? हार्डली आएगा पहले, ठीक है, हार्डली आया पहले, फिर आया हेल्पिंग वर्ब, फिर आया सब्जेक्ट, और फिर आई हमारी मेन वर्ब। मतलब आप इसमें क्या करेंगे, हार्डली हैड दे फिनिश देयर मील्स व्हेन एट वंस दे रिज्यूम देयर ड्यूटी, कि अभी उन्होंने अपना खाना मुश्किल से खत्म ही किया था कि वो अपनी ड्यूटी पे दोबारा से जुट गए। और मैंने क्यों बोला कि इन तीनों का मीनिंग सेम होता है, क्योंकि ना तीनों आप इसी के लिए यूज करते हो कि अभी मुश्किल से ये काम हुआ था कि ऐसे हो गया, अभी मैंने मुश्किल से खाना खाया ही था कि मेरे घर पे गेस्ट आ गए, मैंने मुश्किल से पढ़ाई खत्म ही की थी कि मेरी मदर ने मुझे बुला लिया, मुश्किल से घर ही पहुंचे थे कि बारिश होने लग गई। तीनों कंजंक्शन को इसी कंटेक्स्ट में आप यूज करोगे, बस आपको याद इतना रखना है, सबसे पहले चेक करना है पैर, और पैर को चेक करने के बाद हमने करना है ये वाला अपना फॉर्मेट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। चलो अगले पे आ जाओ, आई डोंट नो वेदर राज इज इक्वली गुड एज विमल, इसका आंसर दें एवरीबॉडी। मैं छुट्टी करी आप लोगों की सेफ्टी के लिए, आप लोग घर पे रहें, अपना ध्यान रखें सारे के सारे, और पेपर की तैयारी भी तो करनी है, इसीलिए हम यहाँ पे आपकी तैयारी के लिए बैठे हैं बस। मतलब वी जस्ट वांट कि आप लोग जल्दी से जो भी आपके ऑनकमिंग एग्जाम्स हैं उनको क्लियर करो, ठीक है, और एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद हमें फटाफट से गुड न्यूज सुना दो कि भाई ये एग्जाम दिया था हमारा, क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ जी, आंसर्स दो, ए में मिस्टेक है, और कोई चेक करो, किसी और में हमें लग रही है तो मिस्टेक। चलो मैं बताती हूं, आई डोंट नो वेदर, हमें पता है कि दो कंजंक्शंस होती हैं, देखो एक तो होता है वेदर, एक होता है दैट। वेदर हम लगाते हैं हमेशा नो श्योरिटी में, और दैट हम लगाते हैं हमेशा श्योरिटी में, जहां पे हमें किसी चीज का पक्का पता है, जैसे आई नो दैट आई विल क्लियर द एग्जाम, आई नो दैट इट विल रेन टूडे, मुझे पता है कि आज बारिश होगी, श्योरिटी है ना, तो वहां पर आप दैट लगाओगे। यहां पे हम बात कर रहे हैं नो श्योरिटी की, नो श्योरिटी जहां पे हमें कुछ पक्का पता ही नहीं है। यहां देखो, आई डोंट नो, आई डोंट नो का मतलब मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता तो नो श्योरिटी है ना, वेदर यहां ठीक है। आगे पढ़े, I don't know whether Raj is equally good as Vimal. यहां पे ना याद रखेंगे कि word equally नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखो अगर है as के साथ as, तो इनके बीच में याद रखेंगे आती है हमेशा adjective की first degree या positive degree, और ये हमें किसी भी sentence के बारे में क्या बताता है कि वो चीजें क्या है, equal, ठीक है। जैसे कि I don't know whether Raj is As good as Vimal, कि मुझे नहीं पता कि राज विमल जितना ही अच्छा है या नहीं है। अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है, देखें एक बार,
शी इज नॉट एज टॉल एज हर सिस्टर. जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताएं कि ये जो सेंटेंस मैंने आपको भी लिखकर दिया ये ठीक है या नहीं है. शी इज नॉट एज टॉल एज हर सिस्टर, टेल मी करेक्ट है या नहीं है. संजना हेलो, इसका आंसर बताएं फटाफट कि ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, एरर फ्री है या नहीं है, कोई ना कोई गलती है इसमें. रॉन्ग है. अच्छा पारुल, रॉन्ग है तो एक बार आंसर भी बता दो. ठीक है, बताएं एक बार आंसर. She is not as tall as her sister. Important question है ये भी. देखने में बहुत आसान सा लगता है. All in one channel. Answer बताओ इसका. Correction क्या करेंगे? चलो sentence तो ये incorrect है. Negative है. Okay. और देखें. क्या होगा इसमें? Tallest? नहीं, tallest तो नहीं होगा. आपको ना याद रखना है कि इन दोनों के बीच में हमेशा क्या आती है, एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री. फर्स्ट डिग्री कौन सी होती है? जो हम वर्ड किसी एक इंसान के लिए यूज करते हैं, जैसे टॉल, स्मार्ट, लेजी, एक्टिव. ऐसे वाला भी क्वेश्चन आ जाता है हमें, जैसे ही इज एज स्मार्टर एज हिज फादर. तो गाइस प्लीज मेक श्योर कि इसमें ना जितने भी एरर पॉसिबल है आपको पता हो. अगर एज और एज आ गया ना, सेंटेंस में इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, राइट? और अगर एज और एज आ गया तो स्मार्टर नहीं आएगा. क्या आएगा? हमेशा सिर्फ स्मार्ट, एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री. ठीक है, ओके पारुल, फाइन. देखो एक बार, हमें पता है कि जब इक्वालिटी होती है ना, या फिर सेंटेंस पॉजिटिव हो, वहां हमें क्या लगाना होता है? एज के साथ एज. लेकिन जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो, यहां वहां पर या तो इक्वालिटी ना हो, तो इन दोनों केसेस में हम क्या करते हैं? सो उसके बाद एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री और उसके बाद में एज. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है. पॉजिटिव के केस में क्या आता है? एज के साथ एज. और नेगेटिव या नॉट इक्वल के केस में क्या आता है? सो के साथ एज. ठीक है, देखो छोटा सा पॉइंट था. कितना छोटा सा पॉइंट था. अगर एग्जाम में हमें आ जाता हम कहते ले इसमें कोई बात है, ये तो इतना आसान सा है, नो एरर. लेकिन नहीं भाई, है एरर, यहां पर है. ठीक है, सेंटेंस क्या है? नेगेटिव. हम क्या कह रहे हैं कि वो उसके जितनी टॉल नहीं है. और अगर टॉल नहीं है तो इस एज को रिप्लेस करके क्या करेंगे? सो आई गेस यहां तक क्लियर हो गया. क्लियर हो गया तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में. इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कोई भी डाउट है मेक श्योर अभी के अभी पूछो, ताकि लास्ट तक के लिए हम फंसे ना रह जाएं. कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं हमें. यहां तक आई गेस क्लियर हो गया. बस इतना सा याद रखना, अगर इक्वल हुए तो एज के साथ एज, और अगर अनइक्वल हुए तो सो के साथ एज. वहां पर एज पहले नहीं आएगा. ओके जी, ऑल इन वन चैनल, सतवीर हेलो, जस पारुल क्लियर, वेरी गुड गाइस. चलिए अगला क्वेश्चन देखें. बी स्मार्ट नॉट ओनली इन ड्रेस एंड ऑल्सो इन एक्शन. अब इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अपनी ड्रेस में ही स्मार्ट ना रहो, अपने एक्शन में भी स्मार्टनेस रखो. आंसर बताओ. हाँ जी विकास, बिल्कुल वेदर के साथ एज आ सकता है, क्योंकि हमें श्योरिटी नहीं है ना. कि मैं कह रही हूँ मुझे नहीं पता कि वो उसी के जितनी लंबी है या नहीं है. तो यहाँ पे हम दोनों की हाइट इक्वल होने की बात कर रहे हैं, और इक्वल होने की बात कर रहे हैं तो एज के साथ एज आएगा. ठीक है, ओके गुड एवरीबडी. यहाँ पे ये वाला तो आसान था. ये वाला ना आपको एरर एग्जाम में काफी बार आ जाता है, क्योंकि हमें पढ़ने में लगता है कि एंड ऑल्सो तो ठीक है, लेकिन कंजंक्शन एंड ऑल्सो नहीं होती. क्या होती है? बट ऑल्सो. इजी से पॉइंट्स हैं, थोड़े याद रखेंगे कि इधर और अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इधर और का मतलब क्या होता है? वन आउट ऑफ टू. मतलब या तो ये या फिर वो,
अगर हम बात करें नीदर के साथ नॉर की, तो इसका मतलब क्या होता है? जीरो आउट ऑफ टू, कि दोनों में से कोई भी नहीं है ना, ना ही ये ना ही वो. लेकिन अगर हम बात करें नॉट ओनली बट ऑल्सो की, बट ऑल्सो, तो इसका मतलब क्या होता है? टू आउट ऑफ टू, मतलब सिर्फ ये ही नहीं वो भी. ठीक है, अगले पे आ जाए. बिकॉज ही इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर ही वाज सेलेक्टेड फॉर द स्कूल बॉक्सिंग टीम. क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए उसे स्कूल बॉक्सिंग टीम में सेलेक्ट कर लिया गया. इसमें देखें कोई एरर हमें दिख रहा है तो. देखें देखें, बिकॉज ही इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर ही वाज सेलेक्टेड फॉर द स्कूल बॉक्सिंग टीम. पढ़ने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन मैं कहती हूं कोई एरर है. बताओ क्या एरर है? बिकॉज की जगह एज आएगा? नहीं, देखो सेम मीनिंग है. इंप्रूवमेंट होता तो हम फिर सोच लेते कुछ चेंज करने का, लेकिन एरर तो है नहीं यहां पे, गलती थोड़ी ना, क्योंकि की बात हो रही है. अंजू, ऑनलाइन क्लासेस का टाइम है हमारा 12:45. ठीक है, दो चार मिनट ऊपर नीचे कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट टाइम इज 12:45. सुपरफ्लूस? हां जी बिल्कुल. सुनो, हमारी ना बिकॉज की सेंस में हम काफी सारी कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं. सबसे कॉमन क्या है? बिकॉज. बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि. सिंस का मतलब क्या होता है? उसको भी यहां पे हम क्योंकि की सेंस में ले सकते हैं. ठीक है, अगर मैं ये बोलूं बिकॉज ही इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग, मैं ऐसे भी तो बोल सकती थी सिंस ही इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग. मैं ऐसे भी बोल सकती थी एज ही इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग. तीनों का मीनिंग सेम होता है ना. आपको याद क्या रखना है कि ये कंजंक्शन हम किस सेंस में यूज करते हैं? बिकॉज की सेंस में. ठीक है, लेकिन बस इनका ना आपको एक पेयरिंग का याद रखना है कि बिकॉज का पेयर कभी भी देयरफॉर के साथ नहीं आएगा. मतलब ऐसा कभी नहीं करना कि एक ही सेंटेंस में बिकॉज भी है हमारे पास और देयरफॉर भी है, दोनों इकट्ठे नहीं होंगे. सिंस के साथ कभी सो नहीं आता और एज के साथ भी कभी सो नहीं आता. ये ना आपको क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आज तक आ जाता है, हर एक एग्जाम में पूछते हैं. ठीक है, बट मेक श्योर कि इनका ना पेयर कभी नहीं बनाते. ठीक है, इनके साथ में देयरफॉर सो नहीं आता, अकेला इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि देखो इसका तो अपना ही मतलब है क्योंकि, और ये वाले हम कंक्लूजन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं. एक ही सेंटेंस में मैं क्योंकि भी बोल रही हूं, मैं कंक्लूजन भी दे रही हूं, क्या फायदा रेपिटेशन करने का? तो यहां से आप देयरफॉर हटा दोगे. एरर हमारा कहां आया? बी में. ठीक है, ओके गुड, ऑल इन वन चैनल है ना, देयरफॉर नहीं आएगा यहां पर. ओके जी, अगला देखें. द रीजन फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड. अब देखो इसमें, इस सेंटेंस को अगर मैं ट्रांसलेट करूं, इसका मतलब क्या बन रहा है? वो कारण, रीजन मतलब कारण है ना, वो कारण जिस वजह से वो फेल हो गया वो कारण है. बिकॉज का मतलब भी क्या होता है? बिकॉज का मतलब भी कारण होता है. कारण ही तो बता रहे होते हैं, क्योंकि तो बता रहे होते हैं. जब मैंने पहले बोल दिया कि मैं कारण की बात कर रही हूं, तो क्या दोबारा क्योंकि बोलने की जरूरत है? ये हो गया सुपरफ्लुअस सेंटेंस. सुपरफ्लुअस का मतलब हम एक ही बात को बार बार करे जा रहे हैं. तो मेक श्योर गाइस, जब ये सेंटेंस में वर्ड लिखा हो ना रीजन, तो उसके साथ कभी बिकॉज नहीं आता, क्योंकि दोनों का मीनिंग घुमा फिरा कर बिल्कुल सेम है. अगर मुझे कुछ लगाना पड़े बिकॉज की जगह, तो मैं क्या लगाऊंगी यहां पर? ठीक है, ये चीज याद रखना ताकि मीनिंग रिपीट ना हो हमारा. इसीलिए हम ये द रीजन इसके साथ में हमेशा क्या लगाते हैं? दैट, कि वो कारण जिस वजह से वो फेल हुआ है कि वो मेहनत नहीं करता था. ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर जहां पे द रीजन होना वहां पर बिकॉज नहीं आएगा. अगर आपको बिकॉज लगाना है तो आपको ये हटाना पड़ेगा द रीजन. अगर सेंटेंस कुछ ऐसे होता ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, तो ठीक होता. लेकिन हमने उस चीज को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी? क्योंकि एरर फाइंडिंग की अजम्पशन क्या कहती है? सेंटेंस स्टार्टिंग से ठीक चल रहा है, बाद में जाके गलत हो रहा है, तो हम गलती भी कहां निकालेंगे?
बाद वाले में निकालेंगे, ठीक है? ओके, तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन. आई रियली होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट थोड़े समझ आ रहे हैं, और ये जो हम आपके लिए क्लासेस लेकर आए हैं, ये आपको किसी ना किसी तरीके से मदद जरूर कर रही है, ठीक है? ओके गाइज, अपने ना देखो जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, उसके अपने डाउट्स कहीं साइड पे लिखते रहो. मान लो आज हमने ये क्वेश्चंस किए, आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट आया, मेक श्योर जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास करेंगे ना, आप उसमें वो क्वेश्चंस पुट करो. क्वेश्चंस पूछो, चाहे पिछली क्लास के रिगार्डिंग ही पूछ लो, ठीक है? उससे क्या होगा कि जो आपके एग्जिस्टिंग डाउट है ना, आप घर बैठे ही उनको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी? चलिए, आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, ठीक है? हम लोग कल मिलेंगे, फिर एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक अपना थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है? घर पर ही रहें, ध्यान रखें, एंड टिल देन ऑल द बेस्ट गाइज. थैंक यू सो मच, गुड बाय.